हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये स्कूल। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, लेकिन कुछ समस्याओं का जन्म उसी के साथ हुआ, जैसे कि प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनका भारत में विलय। कुछ ऐसी रियासतें थी जो जिन्होंने ये लैप्स ऑफ पैरामाउंसी के तहत ये डिसीजन लिया था कि वो अपना विलय पाकिस्तान में करेंगी, जैसे कि हैदराबाद की रियासत, जूनागढ़। अब समस्या ये थी कि पाकिस्तान जो था उसके, अगर उसको आप मैप में आप देखेंगे तो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान दोनों तरफ उनकी टेरिटरी थी। हैदराबाद की रियासत अगर इंडिया के मैप में आप उसे देखेंगे तो बिल्कुल बीच में आती है, और जूनागढ़ जो कि आज के गुजरात का एरिया है। तो अगर ये दोनों रियासतें पाकिस्तान के साथ जाती हैं तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, और आने वाले समय में ये बहुत सारे विवादों को जन्म भी देता। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही रियासतों की जो जनता थी उनका पाकिस्तान के साथ जाने का कोई इरादा नहीं था, और वहाँ की जो बहुसंख्यक जनता थी वो भी हिंदू थे। अब ये सारी समस्याएं थी कहीं ना कहीं आजादी के जश्न को फीका कर रही थी, और पंडित नेहरू और सरदार पटेल किसी भी कीमत पर इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे जूनागढ़ के भारत में विलय के बारे में, और कैसे सरदार पटेल और पंडित नेहरू ने, जो उस समय के चीफ थे गृह मंत्रालय के वीपी मेनन जी, उनको बुलाया और समस्या की जड़ को पता लगाने के लिए कहा। इसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास में दर्ज है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और लैप्स ऑफ पैरामाउंसी क्या था, जूनागढ़ के नवाब की बगावत का असली कारण क्या था, और क्या जूनागढ़ का जो दीवान था शाहनवाज भुट्टो, क्या वही था सारे फसाद की जड़, कैसे आज ही हुकूमत ने लड़ी जूनागढ़ के लोगों के लिए लड़ाई और जूनागढ़ का भारत में विलय कराया, और आज की डेट में जूनागढ़ के नवाब के वंशज जो कि पाकिस्तान चले गए थे उनकी स्थिति क्या है पाकिस्तान में। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर दें। इससे हमें हेल्प और मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकें। आइए शुरू करते हैं। रूलबुक के हिसाब से जो भारत यानी इंडिया था उस समय जो ब्रिटिश राजशाही थी, यानी ब्रिटिश जो हुकूमत थी उसके अधीन था, और भारत को आजादी के कानूनों को अपनाने के बाद मिली थी। उन्हीं कानूनों में से एक था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी के तहत ब्रिटिश इंडिया को दो नए स्वतंत्र देशों भारत और पाकिस्तान के रूप में अलग किया गया था। इस कानून के तहत रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल को खत्म किया गया था, और उनके लिए लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का प्रावधान लाया गया था। जून 1947 में जब भारत के आखिरी वायसराय लुईस माउंटबेटन ने भारत की आजादी का मसौदा तैयार किया तो उसमें रियासतों के लिए भी एक कानून था। इसका नाम था लैप्स ऑफ पैरामाउंसी। इसके तहत रियासतों के पास तीन विकल्प थे। पहला कि वो भारत के साथ जाएं, दूसरा पाकिस्तान के साथ रहें, और तीसरा यह है कि वो स्वतंत्र रहें, यानी कि इंडिपेंडेंट रहें। इसी कानून का सहारा लेते हुए जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ जाने का ऐलान किया था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार जूनागढ़ के नवाब के इस फैसले से हैरान थी। नेहरू सरकार के मुताबिक जूनागढ़ की भौगोलिक बनावट ऐसी थी कि उसका पाकिस्तान में विलय संभव नहीं था। दूसरा, जूनागढ़ में रहने वाले अधिकतर लोग हिंदू थे, ऐसे में उन्हें भारत के साथ रहना चाहिए था, और उनका ऐसा विश्वास था कि उनका विलय भारत के साथ होना चाहिए न कि पाकिस्तान के साथ। भारत सरकार जूनागढ़ पर तत्काल कब्जा करना चाहती थी, लेकिन लैप्स ऑफ पैरामाउंसी के कारण उसके हाथ बंधे हुए थे और वो कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते। अब समझते हैं कि आखिर जूनागढ़ के नवाब ने ऐसा कदम क्यों उठाया, उनकी बगावत का असली कारण क्या था। कहते हैं कि नेहरू और पटेल ने माउंटबेटन को बताया था कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से जूनागढ़ के नवाब को उस समय 8 करोड़ रुपए दिए गए थे ताकि वो अपनी रियासत को पाकिस्तान में जोड़ दे। दरअसल पाकिस्तान जूनागढ़ पर अपने लिए एक सैन्य अड्डा बनाकर भारत की नाक में दम करना चाहता था। यही नहीं, जूनागढ़ के जरिए वो कश्मीर को अपना बनाने के जुगाड़ में था। राजमोहन गांधी भी अपनी किताब पटेल अलाइफ में इसका जिक्र करते हैं, और लिखते हैं कि जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ मिलाने में मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ था। जूनागढ़ का दीवान शाहनवाज भुट्टो उनके इशारों पर ही काम कर रहा था, उसने ही नवाब को भड़का रखा था। अगर हिस्टोरियंस की माने तो यही कारण था कि जब माउंटबेटन के साथ सरदार पटेल की बैठक हुई तो जूनागढ़ के नवाब के खिलाफ कदम उठाते हुए सैन्य कार्रवाई की वकालत की गई थी, और नेहरू ने इसका समर्थन किया था। जबकि लॉर्ड माउंटबेटन जूनागढ़ पर सेना भेजने के खिलाफ थे। माउंटबेटन का कहना था कि अगर भारत जूनागढ़ पर यह कहकर चढ़ाई करता है कि वहां पर रहने वाले लोग अधिकतर हिंदू हैं और उन्हें भारत के साथ रहने का अधिकार है, तो पाकिस्तान कश्मीर को लेकर सवाल खड़ा कर सकता है और तर्क दे सकता है कि कश्मीर में अधिकतर मुस्लिम है, इस नाते कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। लैप्स ऑफ पैरामाउंसी प्रावधान के कारण कोई सैन्य कार्रवाई करके जूनागढ़ को लेना ठीक नहीं था, और जूनागढ़ का मसला बहुत ही सेंसिटिव हो चुका था। अब ऐसा नहीं था कि सरकार इस बात को समझ नहीं रही, सरदार पटेल इसको भली भांति समझ रहे थे। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कोशिशें जारी रखी। एक तरफ जहां उनके इशारे पर जूनागढ़ पर चौकसी बढ़ा दी गई थी, वहीं दूसरी तरफ 19 सितंबर 1947 को वीपी मेनन साहब को उन्होंने जूनागढ़ भेजा ताकि वो पता लगा सके कि जूनागढ़ के नवाब जो है आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब वीपी मेनन जूनागढ़ पहुंचते हैं और नवाब से मिलने की कोशिश करते हैं तो उनको मिलते हैं शाहनवाज भुट्टो साहब, जो कि उस समय उनके दीवान थे और उनके रहते हुए आसान नहीं था। तो जब भी वो मिलने जाते थे नवाब से तो उन्हें वो रोक लेता था और कहता था कि नवाब साहब बीमार हैं, नहीं मिल सकते। और बार बार जब एक ही जवाब उन्होंने सुना तो उनको समझ में आ गया था कि दीवान ऐसा क्यों कर रहा है। वो समझ चुके थे कि बगावत की असली वजह क्या थी। हिस्टोरियन के मुताबिक वीपी मेनन ने जूनागढ़ के दीवान को चलते चलते बहुत ही कठोर शब्दों में बोला था कि अगर नवाब ने अपने फैसले पर विचार नहीं किया
तो उनका खात्मा तय है। अब यहाँ पे जो शाहनवाज भुट्टो थे दीवान थे नवाब के, और उनका रोल समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आप जूनागढ़ के जो दीवान शाहनवाज भुट्टो हैं उनके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि यह पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के दादा थे और जुल्फिकार अली भुट्टो जिनको फांसी दे दी गई थी पाकिस्तान में उनके पिता थे, और आज जो बिलावल भुट्टो हैं उनके वो परदादा थे। जूनागढ़ के नवाब को इन साहब ने भड़का रखा था जो कि सीधे पाकिस्तान के संपर्क में थे, और इसका एक रीजन भी था कि ये जो आते थे ये सिंध क्षेत्र से आते थे, इनके पास बहुत सारी जमीनें वहां पे थी, और इनके पास ये था कि अगर ये रियासत का विलय वहां पे इंडिया में हो गया तो कहीं ना कहीं इनके लिए दोनों तरफ मैनेज करना मुश्किल होगा। और साथ में जिन्ना के साथ इनकी जो निकटता थी वो भी एक कारण था जिसके कारण नवाब को बार बार बरगला रहे थे कि आप अपना विलय जो है पाकिस्तान के साथ करिए। जूनागढ़ के कई प्रभावी लोग जो थे उन्होंने इन्हें समझाने कोशिश की लेकिन इन्होंने किसी की बात नहीं मानी, और नवाब के जरिए जूनागढ़ को पाकिस्तान से जोड़ने का ऐलान कराने में सफल रहे। नवाब से मुलाकात न होने पर मेनन ने पंडित नेहरू और सरदार पटेल के प्लान को आगे बढ़ाया। वीपी मेनन ने वहां के जो लोकल लोगों से मिलना शुरू किया और वहां पे जो प्रभावशाली लोग थे उनसे बातचीत की और उनके प्रति भारत सरकार के प्रति भरोसा बनाना शुरू कर दिया। उनकी मुलाकातों का जो दौर था उसको उन्होंने और तेज किया, और जो लोग नवाब और भुट्टो से नाराज थे उनके साथ वो मिलते गए। जल्दी उनकी मेहनत रंग लाई और जूनागढ़ की जो दो छोटी जागीरें थी वो भारत सरकार के साथ आकर खड़ी हो गई। कहते हैं कि भारत सरकार के इस कदम से नाराज होकर नवाब ने उन दोनों रियासतों पर अपनी सेना भेज दी जो भारत के साथ आ गई थी। नवाब का यही कदम उसे भारी पड़ा। दरअसल भारत सरकार नवाब के इस फैसले पर बेहद तल्ख थी और उसे युद्ध मान रही थी। अब यहाँ पे समझना जरूरी है जो आरजी हुकूमत थी उसके रोल को भी। जूनागढ़ के आम लोग जो थे अपने नवाब के खिलाफ लामबंद होने लगे थे। इसी बीच वीपी मेनन ने मुंबई में कठियावाड़ी नेताओं से मिले, उन्हीं में से एक थे उचरंग राय ढेबर। ढेबर आम लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय थे और सत्याग्रह के लिए मशहूर रहे थे। मेनन साहब ढेबर उनके साथियों को समझाने में कामयाब रहे कि अगर जूनागढ़ के लोगों का वो भारत का हिस्सा बनाना है तो उन्हें अपनी जंग लड़नी होगी। कहते हैं कि बस यहीं से जूनागढ़ के नवाब की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। वीपी मेनन से बैठक के बाद ढेबर सक्रिय हुए और उन्होंने जूनागढ़ के नवाब के साथ कई मुलाकातें की। ढेबर की तमाम कोशिशों के बावजूद जब नवाब अपने फैसले को बदलने के लिए तैयार नहीं हुए तो काठियावाड़ी नेताओं ने सामल दास गांधी की अगुवाई में आरजी हुकूमत बनाकर नवाब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरजी हुकूमत का एक ही लक्ष्य था जूनागढ़ की प्रजा की आजादी, और जल्दी वो लोगों को भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि जूनागढ़ नवाब के पास जो अधिकार थे वो अब आरजी हुकूमत के पास आ गए हैं। एक बार जनता का जब समर्थन मिला तो उसके बाद आरजी हुकूमत के जो फॉलोअर्स थे वो जूनागढ़ के अंदर घुसे और नवाब बुरी तरह डर गया। उसने मान लिया था कि उसका बचना संभव नहीं है। आनंद फानंद में अपना सोना चांदी लेकर के भागा वहां से। कहते नवाब इतना डरा हुआ था कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर कराची भाग गया था। हालांकि ये जानने वाली बात है कि उस समय वो अपने कुत्तों को साथ लेकर गया लेकिन अपनी फैमिली को छोड़ गया। नवाब के भाग जाने के बाद जूनागढ़ की जिम्मेदारी जो उसके दीवान थे भुट्टो उस पर थी, और आगे उसने वही किया जिस बात का डर था। भुट्टो ने आरजी हुकूमत को रोकने और आम लोगों के विरोध को दबाने के लिए पुलिस कमिश्नर मोहम्मद हुसैन नकवी की मदद से बल का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप जूनागढ़ उजड़ता चला गया और वहां की सड़कें वीरान हो गई। इतना सब करने के बाद वास्तव में भुट्टो की खैर नहीं थी, इसलिए उसने पाकिस्तान से मदद मांगी, मगर जिन्ना ने भी उसे मुंह फेर लिया। फाइनली जो भुट्टो था उसने हार मान ली और आरजी हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए थे। जानकारी के मुताबिक पहले भुट्टो ने आरजी हुकूमत के प्रधान सामल दास गांधी से कहा था कि वो आकर के जूनागढ़ का कब्जा ले लें, लेकिन अचानक से उसने अपनी अर्जी बदल दी और भारत सरकार से जूनागढ़ का नियंत्रण लेने की अपील की। बात यह है कि सामल दास गांधी ने इसका विरोध नहीं किया और इस तरह 9 नवंबर 1947 के दिन जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। इसके बाद भारत में अब चूंकि ये विलय हुआ था उसमें वहां के लोगों की राय नहीं ली गई थी, हालांकि सब लोग पक्ष में थे भारत से मिलने के, लेकिन फिर भी एक जनमत संग्रह कराना बहुत जरूरी था। फिर बाद में एक जनमत संग्रह कराया गया जिसमें जूनागढ़ की जनता ने खुद फैसला किया कि उन्हें भारत के साथ रहना है। 20 फरवरी 1948 को हुए इस जनमत संग्रह में 1,90,870 लोगों ने भारत को चुना था, जबकि पाकिस्तान के लिए सिर्फ 91 लोगों ने मतदान किया था। और इस तरह से जूनागढ़ की रियासत का पूरी तरह से भारत में विलय। अब समझते हैं कि जूनागढ़ के नवाब भागकर चले तो गए थे पाकिस्तान, लेकिन वहां पे उनकी और उनके वंशजों की स्थिति क्या है इस समय। पाकिस्तान के कराची शहर में नवाब महाबत खान के जो तीसरे वंशज रह रहे हैं उनका नाम है नवाब मोहम्मद जहांगीर खान। कुछ समय पहले उन्होंने पाकिस्तान में कहा कि अगर उन्हें पता होता कि पाकिस्तान जाने के बाद उनका सारा मान सम्मान खत्म हो जाएगा तो कभी भारत छोड़कर नहीं आते। पाकिस्तान में अब नवाब के परिवार वालों को गुजारे के लिए जो महीने का पैसा मिलता है वो एक चपरासी के वेतन से भी कम है। पाकिस्तान से प्रकाशित एक अखबार को दिए इंटरव्यू में नवाब मोहम्मद जहांगीर ने जो नाराजगी थी वो जाहिर की थी और कहा था कि आजादी के बाद बंटवारे के समय मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हुए समझौते के तहत ही उनका पाकिस्तान परिवार आया, हालांकि उनका सम्मान अब नहीं रहा। जूनागढ़ उस समय हैदराबाद के बाद दूसरे नंबर का सबसे धनवान राज्य था। नवाब अपनी संपत्ति जूनागढ़ में छोड़कर पाकिस्तान चले आए थे, यहाँ तक कि उन्होंने जूनागढ़ की संपत्ति के बदले में पाकिस्तान में संपत्ति भी नहीं मांगी। पाकिस्तान में उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। अब नवाब के परिवार का हाल यह है कि मौजूदा पाकिस्तान सरकार उन्हें अन्य राज्य परिवार के समान न तो सम्मान देती है और न ही किसी गिनती में रखती है। खटास इस बात की है कि अपने जिस दीवान के उकसावे में आकर वो पाकिस्तान भागे उस दीवान भुट्टो का परिवार पाकिस्तान का मुख्य राजनीतिक परिवार बन गया। हालांकि नवाब के परिवार के लोग पाकिस्तानी मीडिया में बताने की कोशिश करते हैं
कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन इस मुल्क ने उन्हें हंसी और फेंक दिया। बट वो अभी भी जूनागढ़ के भारत के विलय के मामले को एक तरह से विवादास्पद बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन अब इसमें किसी को दिलचस्पी बची नहीं रही है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो आप नवाब के जो वंशज हैं उनकी स्थिति आप इससे समझ सकते हैं कि जो जूनागढ़ पैलेस जो कि कराची में है उसको वेडिंग्स पे किराया देने के लिए इन्होंने अनुमति मांगी थी जिसको कोर्ट ने मना कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि कितने धनवान होंगे और इनकी वहाँ पे क्या पॉलिटिकल वैल्यू है, और जिस दीवान के चक्कर में इन सारी चीजें इन्होंने की वो आज की डेट में सत्ता का सुख भोग रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हमेशा की तरह थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।